वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडेज लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू कंसेप्ट दैट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट. ओके, सो इसमें ये सब मैंने आपको जो कहा था मिशन विशन, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, राइट? सो लास्ट लेक्चर वी हैड डन विथ स्वॉट एनालिसिस. फॉर दोज ऑफ यू हु मिस्ड आउट, वी हैड कवर्ड इट इन टू लेक्चर्स. द फर्स्ट लेक्चर वॉज ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. सेकेंड लेक्चर वॉज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो अगेन, जो लोगों का मिस हो गया है, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, राइट? सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन फॉर टूडेज लेक्चर. ओके, सो सी, फर्स्ट मैं आपके साथ ये एक डायग्राम है वो शेयर कर रही हूँ, इसके बाद वील गेट इनटू द एक्चुअल मीनिंग. सो सी, क्या है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक कंसेप्ट है, इसमें देयर आर मेनी पैरामीटर्स दैट वी हैव टू स्टडी. लाइक सी, यू नो, सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ऑन योर स्लाइड, राइट? तो उसमें क्या सब चीजें आती है. सी, अगर हम बोलते हैं ना, एक पूरा प्रोसेस होता है. अगर हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट से, यू ऑल नो, सबने केजी में पढ़ा है, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट? तो पूरा कैसे एक सेट कंप्लीट होता है. तो इन द सेम वे स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक का यू ऑलरेडी नो द मीनिंग, क्या, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. इंटेंट मतलब पर्पस. सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, सी, यू नो, ऑलवेज जो नाम होता है उसमें मीनिंग लिखा हुआ होता है, राइट? सो सी, इंटेंट मतलब पर्पस. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, लेट्स टेक इट दैट वे. अगर मुझे ज्योति से कुछ काम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम वो एक पर्सन है, तो हम बोलते हैं ना कि मेरा इंटेंट क्या होगा कि पहले मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ, फिर मैं उससे काम निकलवाऊंगी, राइट? मतलब मेरा इंटेंट पर्पस क्या है, उससे काम निकलवाना, राइट? सो सी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग. सिंपल वर्ड्स, आगे आ ही रहा है डेफिनेशन, बट सी इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या सब होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, मिशन विजन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? तो अभी ये आप सब यू ऑलरेडी आई अज्यूम नो कि जनरल मीनिंग क्या है सबका, राइट? बट डिटेल में हम अब पढ़ने वाले हैं इन द कमिंग लेक्चर्स, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन है. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय विजन, मिशन का मीनिंग क्या है, वो सब बोला है, राइट? डिटेल में आई एम टेलिंग यू, नॉट वन और टू लाइन. सो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट? ओके, सो नाउ आई विल गेट इन टू द एक्चुअल डेफिनेशन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, राइट? सो इफ अ क्वेश्चन कम्स कि यू नो वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, तो आप ये सब लिख सकते हो, राइट? जो यहाँ पे लिखा है, यस. नॉर्मली आई विल टेल यू दिस आंसर, नॉर्मली ये जो आंसर है इट कम्स इन शॉर्ट नोट्स. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो, यू ऑल नो शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के होते हैं. सो वॉट दे लास्ट इज, यू नो, एक्सप्लेन विजन, मिशन लिखो, राइट? एंड आई हैव डिसाइडेड वन थिंग इन माइंड, क्या है, मे बी टुमारो और लेट्स सी व्हेन वी विल स्टार्ट विथ विजन, आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग असाइनमेंट ऑल्सो. लाइक मैंने ऐसा सोचा है, यू पीपल विल ऑल्सो अग्री, यू नो, आई विल टेल यू पीपल टू स्टडी द मिशन और विजन स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी. एक आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा, राइट? सो आई मीन वो मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ. मेरा मतलब है आउट ऑफ बुक जो असाइनमेंट है, राइट? सो इससे तुम लोगों को भी यू विल गेट मोर डिटेल इन टू द सब्जेक्ट, राइट? दैट आई विल डू इट, विल सी कल होता है, बिकॉज ऑलरेडी येस्टरडे वन लेक्चर आई हैव मिस्ड, राइट? सो मे बी टुमारो और नेक्स्ट वीक, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन. Yes, so see, this is, I hope this can be clearly seen, right? आपके स्क्रीन पे. अच्छा, ये मैंने सेकेंड स्लाइड शेयर की है. ओके, लेट मी शेयर द फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट. यस, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. सो जस्ट टेल मी पीपल वंस, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड. यू कैन हियर मी, सी मी एंड सी द पीपीटी क्लियरली, येस और नो?
प्लीज समवन टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. यू कैन सी मी वीडियो एंड या द पीपीटी क्लियरली राइट. ओके थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. या ओके क्विकली विल बिगिन. लाइक क्या लिखा है देखो. थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. ओके सी स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मीनिंग की बात हो रही है. ओके लाइक इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू दिस राइट. सो सी फॉर एग्जांपल यू नो जस्ट अ सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको दे रही हूँ. लाइफ में हम सब बोलते हैं ना कि पर्पस होना जरूरी है. यस और नो. सो फॉर एग्जांपल यू लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर. वी ऑल नो व्हेन ही वाज वेरी यंग उसका एक ही हम बोल सकते गोल था क्या कि उसे अच्छा क्रिकेटर बनना है. उसका पर्पस वाज वेरी क्लियर इन हिज माइंड राइट कि उसका पैशन क्रिकेट है एंड ही वांटेड टू परस्यू अ करियर इन दैट. इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला है कि यू नो फ्यूचर में मुझे MBA करना ही है या तो यू नो फ्यूचर में मुझे खुद का बिजनेस करना है वॉट एवर इट इज आपका जो भी है यू नो पर्पस वो क्लियर होना चाहिए. तो इन द सेम वे अगर कोई कंपनी है उसका यू नो वॉट दे वॉन्ट एंड वाई दे वॉन्ट. सी आई टेल यू वॉट दे वॉन्ट मतलब सी आइडियली यू ऑल नो बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है द मेन मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट राइट. ओके बट अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन टू बी केप्ट इन माइंड. सो फॉर एग्जाम्पल क्या यू पीपल नो द कंसेप्ट ये भी आपको यू हैव टू रिमेम्बर सिंस यू आर स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. 5 W's and 1 H डू यू रिमेम्बर 5 W and 1 H का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है कि नहीं. इफ समवन नोस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. हाँ बताओ 5 W क्या है. W से वर्ड स्टार्ट होते हैं 5 words है 1 H. क्वेश्चंस कोई भी हम पूछते हैं तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई नीड टू स्टार्ट. यस ज्योति सेड 2 गुड. रोहित सेड द फर्स्ट वन. यस गुड ऑल ऑफ यू आंसर्ड नाउ. यस वही मैं आपको बोल रही हूँ. सी फर्स्ट वन व्हाट रोहित सेड हमेशा व्हाट आएगा. सो सी फॉर एग्जाम्पल यू नो व्हाट बिजनेस आई वॉन्ट टू स्टार्ट. सी दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज फर्स्ट दैट कम्स टू योर माइंड राइट. अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर भी रहे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम वही बोलेंगे कि कौन सी चीज का बिजनेस राइट. बाकी जो आगे प्लानिंग होता वो तो बाद में ही आएगा राइट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वेयर कहाँ पे. प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. मैंने अगर बोला है कि मुझे चलो मैंने ठान ली है मोबाइल फोन का बिजनेस करना है तो कहाँ पे. मुंबई में मेरी फैक्ट्री होगी आउट ऑफ मुंबई. वेयर विल आई सेल माई फोन्स राइट. वेन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मतलब ही वेन मतलब कब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. इट माइट बी यू नो लेट्स टेक इट दैट वे कि कुछ बिजनेसेस है मे बी विद इन 1 year. सी आइडियली बिजनेस सेटअप करना भी इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक मतलब इट्स डिफिकल्ट. तो यू नो हमें बजट कब मिल रहा है फिनेंस कब सफिशिएंट हो रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब बिजनेस स्टार्ट करना है राइट. ओके द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो जस्ट लेट मी सी वॉट यू हैव आंसर. आप लोगों ने लिखा ही है हु एंड विच. यस हु इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या सिंपल आपके कस्टमर्स कौन रहेंगे हु. सो अगर मैं मोबाइल फोन की बात कर रही हूँ तो आपके सिटीज में कस्टमर है गांव में कस्टमर है. कई बार आई हैव टोल्ड यू इन स्वॉट राइट बिजनेसेस एक्सपांड भी करती है इंटरनेशनली. सो क्या उनके वहाँ पे कस्टमर्स है राइट. सो ये सब क्वेश्चन बेसिक है जो एनी बिजनेस शुड बी एबल टू आंसर राइट. एंड द नेक्स्ट वन विच. विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मतलब क्या. ओके सो विच बिजनेस आर दे इन टू और विच अप्रोच देल यूज. सो सी ये कंसेप्ट यू ना आप लोग स्टूडेंट्स फ्यूचर में पढ़ने ही वाले हो प्रोबेबली. आई विल ओनली टेक इट जब स्पेशली आप TY में आओगे यू नो तो विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दे विल यूज. सो अभी उतना यू नीड नॉट उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है बट आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब. ओके लेट्स टेक इट दैट वे. ट्रेडिशनल मीडिया हम जो बोलते हैं क्या है रेडियो TV न्यूज़पेपर राइट. अगर हम मॉडर्न मीडिया की बात करें क्या है ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया
ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, यू नो अभी कंपनीज आर सो एक्टिव ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राइट, यूट्यूब पे एड्स लाते हैं, तो वो सब मॉडर्न मार्केटिंग हो गया। तो मैं आपको सिंपली एग्जांपल दे रही हूँ कि यू नो अगर कोई गांव साइड है वहाँ पे दे माइट नॉट बी सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। आई मीन वो सब चीज़ें भी तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करते पहले ध्यान में रखनी है। वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर, लोकल मीन्स यू ऑल नो इंडिया में काफ़ी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यू नो अगर मैं कोलकाता में बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे यू नो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दे रही हूँ ना, सी दिस इज़ अ वेरी फुलिश डिसीजन, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया इज इन जनरल अ इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहाँ के गांव के लोग शायद पढ़ते भी नहीं होंगे, राइट। उन्हें क्या है यू नो लोकली क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, इट इज नॉट देयर कंसर्न, राइट। सो ये सब चीज है। एंड वन एच एनी वन बहुत ईजी है, वन एच, 5 W's तो आप लोगों ने मुझे बता दिए, 1 H, वेरी इजी, कम ऑन, बहुत ईजी है। यस, थैंक्स रोहित, हाउ, यस, कैसे अप्रोच करना है, हमने ये सब प्लानिंग कर दिया, राइट, बट कैसे, हाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड, दैट इज ऑलवेज द मेन क्वेश्चन, राइट। यस, थैंक्स ज्योति फॉर रिप्लाई। सो सी डेफिनेशन में अभी नाउ विल गो, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू दिस। सो कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। इन द सेम वे यू नो अगर कोई स्टूडेंट है, तुम लोग भी फॉर एग्जांपल बीएमएस लिया होगा, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव केप्ट समथिंग इन माइंड, राइट। आप लोगों ने साइंस क्यों नहीं लिया, आर्ट्स क्यों नहीं लिया, प्लेन बीकॉम क्यों नहीं लिया, राइट। इन द सेम वे लाइक इवन आई एम टेलिंग, इवन बिफोर आई सिलेक्टेड बीएमएस आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, राइट। ये पर्पस है। सो सी नेक्स्ट व्हाट इट्स रिटन, दिस व्हाई दे वांट टू डू अंडरलाइज द एंड रिजल्ट व्हिच इज टू बी अचीव थ्रू व्हाट दे वांट टू डू। सी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू नो why they want to do. See, it's not confusing, okay? तुम लोग ऐसे याद रखो, I'm telling you how. Okay, you people only tell me why they want to do. I mean, why they want to do business? What is the aim? कोई भी company, why are they doing it? क्या reason है? Can you people tell me in simple words? Why they want to do business? क्या reason है? एक ही चीज के लिए कर रहे हैं सब लोग business, क्या? Yes, thanks a lot for replying everyone. The simple answer is profit, right? Yes. तो अभी तुम लोग मुझे बताओ, ये first question clear है, why they want to do? अच्छा, profit के लिए, right? Okay. Now what they want to do? मतलब see, it's like that कि ये profit achieve करने के लिए उन्हें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, yes or no, या ऐसे ही profit मिलने वाला है? मतलब what they want to do का simple meaning यही है, यू नो ये वाई को अचीव करने के लिए वॉट दे विल करंटली डू, यू नो फ्यूचर में आप वही पढ़ोगे, कंपनी का जो विशन होता है वी, राइट, दैट दे वॉन्ट टू अचीव इन द लॉन्ग रन। तो कैसे अचीव होगा, जब मिशन वो लोग करंटली अच्छा काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर मैं बोल रही हूँ मुझे बी एम एस अच्छे मार्क्स से आई वॉन्ट टू ग्रेजुएट थर्ड ईयर में, सो उसके लिए वो तुम्हारा अल्टीमेट रिजल्ट हो गया, राइट, कि हैव अ बी एम एस डिग्री एट द मोमेंट। आई एम टेलिंग यू, मैनी पीपल माइट थिंक अबाउट एम बी ए एंड ऑल, भी फ्यूचर की बात है, राइट। अब मैं वही बोल रही हूँ, तो करंटली आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, सब असाइनमेंट्स कर रहे हो कि नहीं, राइट, तो वाई बात की बात है, बट अभी करंटली वॉट एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन, दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू, राइट। सो सी इन मैनेजमेंट लिटरेचर दिस एंड रिजल्ट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी कंपनी का पर्पस लॉन्ग टर्म में अचीव होता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सी मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में भी कोई चीज अचीव होती है तो उसके लिए बहुत साल लगते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड क्या सब करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, राइट। हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, यू नो, इसलिए वो डायग्राम था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या सब है, इट्स वेरी इजी, राइट। सी नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, यू नो स्ट्रेटेजिक इंटेंट हैज अ हायरार्की, मिशन, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट।
वो दैट डिटेल में वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी. बट मैंने आई विल डू वन थिंग, यू नो वंस ये स्लाइड हो जाएगा, मेनी पीपल हैव जॉइन लेट ऑल्सो, सो उनके लिए मैं वो डायग्राम फिर से दिखाऊंगी. राइट, ओके, विल क्विकली मूव टू द थर्ड पॉइंट. ओके, एनविशंस अ डिजायर्ड लीडरशिप पोजिशन. नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई थिंक हैड आई डन दैट एक्टिविटी विथ यू पीपल, जस्ट फर्स्ट टेल मी, मैंने एक अच्छा लीडर कौन होता है. मैंने ऑल वर्ड से एक एक गेम आपके साथ खेला था, लाइक आई हैड गिवन यू लीडरशिप एंड यू हैड टू टेल मी कि फॉर एग्जाम्पल एल है. येस, आई हैड डन दैट, राइट. सो यू ऑल नो कि लीडर, अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज है. सो सी, येस, सो बेसिकली इसमें यही कहा, यू नो एनविशन मतलब क्या, फ्यूचर में कोई चीज हम एनविशन, यू ऑल नो राइट विशन का मीनिंग क्या है, पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना. राइट, आई हैड टोल्ड यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को क्या अचीव करना है. तो डिजायर्ड लीडरशिप पोजीशन, सी मतलब क्या है, यू ऑल नो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, अच्छे लीडर्स के बिना आगे नहीं जा सकती है. लाइक टेक एनी इवेंट ऑल्सो, लाइक सी इवन जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे दैट हिटलर की वजह से हुए थे. राइट, आई एम सी नॉट टेलिंग इट एज अ बैड एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. दो ही वॉज, आई मीन उसके वजह से इतने लोगों की जान गई, आई एम नॉट टेलिंग दैट. बट आप खुद सोचो, कन्विंसिंग पीपल टू गिव देयर लाइफ, यू नो फॉर योर पर्पज, उसका पर्पज था. आई एम नॉट गेटिंग मच इन टू हिस्ट्री, बेसिकली ही हैड अ थिंग अगेंस्ट जूस, उसकी ये एक राइवलरी की वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ था. राइट, आपने स्कूल में पढ़ा है. इन द सेम वे, यू नो अगर कोई भी कंपनी है, धीरू भाई अंबानी की बात करें, ही हैड अ विशन कि रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी हो. राइट, तो ये सब, ही वॉज अ गुड लीडर, यू नो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर, अचीवर, राइट, एल ई, एम्पथी, यू नो एम्पथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, थिंकिंग फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, सो ये सब बेसिकली क्वालिटीज है लीडर की जो हमें अचीव करनी चाहिए. ओके, दैट जस्ट रिमाइंड्स मी, यू पीपल नो द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी, हैव आई टॉट यू दैट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. एम्पथी का यू नो द मीनिंग, राइट, क्या है, आई एम टाइपिंग इट आउट इन द चैट बॉक्स. एम्पथी का मीनिंग यू पीपल नो. ओके ग्रेट, तो मैं आपको आज कंसेप्ट क्लियर कर दूँ. ये लीडरशिप में ही आता है, ठीक है, पे अटेंशन. ओके, सिंपथी का मीनिंग यू नो, दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, सिंपथी. एनीवन, सिंपथी का क्या मीनिंग है? ओके, आई विल टेल यू फर्स्ट एस, सिंपथी का मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, हम सबने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारे पास सिंपथी होनी चाहिए, मतलब क्या. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो कल अगर तुम, यू नो कहीं ऐसे, लेट्स अज्यूम बारिश हो रही है, अभी तो नहीं जाना चाहिए बाहर, बट ठीक है, तुम्हारे घर पे कुछ नहीं, ब्रेड नहीं है, बिस्किट नहीं है, तो मम्मी ने, यू नो तुम्हें भेजा है कि चलो तुम दुकान में जाओ, लेके आओ मेरे लिए ब्रेड, ठीक है, ब्रेड बिस्किट जो भी है. सो तुम लोग जब जा रहे थे तो यू नो यू सॉ कि यू नो देयर इज वन स्ट्रीट डॉग बेचारा, वो भूखा है, आई मीन यू नो इट्स ऑल ड्रेंच्ड इन वेट. Yes, yeah, this is right, consent for others. Yes, मतलब मैं आपको example दे रही थी कि अगर if you see a poor dog जो बैठा है रस्ते पे, भीगा हुआ है, बहुत पतला हो गया है, राइट, तो तुम क्या करोगे, तुम एक एक्स्ट्रा पैकेट उसके लिए लोगे बिस्किट का, एंड आप उसे खिलाओगे. राइट, सी मतलब ये क्या हो गया, दिस वॉज सिंपथी. सिंपथी मीन्स वॉट, आपको किसी पे दया आ जाती है, राइट, बेसिकली, एंड आप उसके लिए अच्छा करते हो. सो नाउ यू पीपल नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिंपथी. दिस वर्ड इज वेरी इजी, आपने पहले भी पढ़ा होगा. सिंपथी मतलब दया के अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, राइट, ओके. नाउ सी, ट्राई टू, लाइक यू नो फॉर एग्जाम्पल सेम वे आई कैन गिव यू, अगर यू नो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो यू नो मैं उसको उठा के या उसको अपनी कार में लेके जाऊंगी, आई विल मेक श्योर ही और शी गोज टू द हॉस्पिटल, राइट, दैट इज आउट ऑफ दिस दया भाव दैट वी आर डूइंग इट, राइट.
यस द नेक्स्ट वन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर ई पे सा आई वॉज टेलिंग एम्पथी. एम्पथी का क्या मीनिंग है? पुटिंग योर सेल्फ इन समवन शूज एंड देन डूइंग इट. सो सी फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर एक एम्प्लॉय है ठीक है, लेट्स अज्यूम अभी कोरोना नहीं है एंड नॉर्मल ऑफिस चल रहे हैं. वी ऑल नो टूडे इट्स रेनिंग वेरी हैवीली इन मुंबई. सो क्या हो रहा है, यू नो आज ट्रेन एंड ऑल आई डोंट नो इफ दे आर वर्किंग नॉट वर्किंग. लेट्स अज्यूम लेट है काफ़ी, ट्रेन नहीं चल रही है, तो एम्प्लॉय कुछ भी करके ऑफिस यू नो बस में आया या एनी कैब करके. नाउ क्या हो रहा है, नॉर्मल रिपोर्टिंग टाइम इज 9 AM ठीक है, बट वॉट ही इज डूइंग इज यू नो वो उसे लेट हो गया आने में, डेफिनेटली कन्वेयंस का प्रॉब्लम है, उसे नहीं मिला. सो वॉट ही हैज डन ऑलमोस्ट 9, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:26 तक वो ऑफिस आ गया राइट. सो अभी उसका बॉस है जो, लेट्स अज्यूम कि यू नो वो एक बहुत रिच फैमिली से है, कि वो हमेशा से यू नो लाइफ में कभी ट्रेन बस में गया नहीं है. वो उसका क्या एटीट्यूड है, वो हमेशा गाड़ी ड्राइवर में ही, आई मीन सब है उसके पास. नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्पथी मीन्स वॉट, इट्स नॉट दया भाव, दोनों वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है. एम्पथी मीन्स वॉट, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पीपल सिचुएशन. मतलब ये जो बॉस है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऐसे बोल रहा है कि चलो कि तुम गाड़ी करके आ सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया, यू नो वॉट आई मीन टू टेल यू योर इज, उसमें एम्पथी नहीं है. वाई? बिकॉज वो खुद ही डजंट नो द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल राइट, कि गाड़ी महंगी पड़ती है, यू नो बारिश में ये सब प्रॉब्लम होता है. बट एट द सेम टाइम अगर एक अच्छा बॉस है, अगर वो एम्प्लॉय के नजरिए से सोच रहा है कि यू नो ओके फाइन कि करंटली आई कैन अंडरस्टैंड डिले हो रहा है, एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट कि ऐसे मौसम में भी ही हैज मेड एन एफर्ट टू कम टू ऑफिस राइट. सो ही से डोंट वरी, वी विल कंसीडर, आपने लेट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब एम्पथी मतलब कि आप किसी और के एंगल से चीज़ों को देख रहे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको जब सिंपथी का एग्जाम्पल बोला कि फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर हम कुत्ते को बिस्किट दे रहे हैं राइट, सो आई वॉट आई मीन टू से आप कुत्ते के एंगल से नहीं सोच रहे हो कि भूख क्या है, हमें उसे दया आ गई इसलिए हम उसे बिस्किट दे रहे हैं राइट. बट एम्प्लॉय के केस में वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर थिंकिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू राइट. सो हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड ना लाइक इसमें डिफरेंस क्या है? ओके थैंक्स ज्योति. या आई ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू राइट, दैट्स वाई थिंग्स बिकम सिंपलर. यस वो लाइफ में हमेशा वो क्वालिटी होनी ही चाहिए. फ्यूचर में आप जो भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं टिक पाते हो आप राइट. अगर आप खुद का ही चला रहे हो यू नो सो यू विल बी नो वेयर इन लाइफ राइट. या यस सो सी इन द सेम वे और एक वर्ड है. सी बेसिकली ये मैं क्यों कर रही हूँ आपके साथ, बिकॉज यू नो ये सब मैनेजमेंट के टर्म्स है, लाइक ये बेसिक जो है क्लियर होने चाहिए राइट. यस ज्योति इज टेलिंग मी कि बारिश की वजह से यस एम्पथी दिखाई. यस बिकॉज नेटवर्क फेलियर्स हो सकते हैं राइट. या यस ओके. नाउ सी सिनर्जी का कंसेप्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू पीपल विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. ओके मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, यू पीपल टेल मी व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट. थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट आ गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट. यस आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक. ये सब लीडर के ही क्वालिटीज है. ओके डू यू थिंक दिस इज राइट? मैंने क्या लिखा है इक्वेशन देखो, सिनर्जी 2+2=5. आप लोगों की क्या राय है इस पे? 2+2=, आई नो मैथ्स मुझे भी आता है, इट इज आइडियली 2+2=4 होना चाहिए राइट, बट ये मैंने लिखा है. एनीवन नोस सी ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है राइट. वी आर नॉट गेटिंग इनटू मैथ्स, वो शकुंतला देवी एंड ऑल वी आर नॉट डिस्कसिंग इट नाउ राइट. बट कोई इसका मीनिंग बता सकता है कि एक लीडर की क्वालिटी है
अच्छी क्वालिटी, 2+2=5, मतलब क्या पे अटेंशन सी। एक अच्छा जो लीडर होगा, सिनर्जी मतलब क्या, हम बोलते हैं ना ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, या तो यू पीपल नो, अगर हम टीम में काम करते हैं टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। सो आइडियली 2+2=4 होना चाहिए, बट अगर हम मैक्सिमम एफर्ट्स ले रहे हैं या तो फिर यू नो हम मिल के काम कर रहे हैं तो 2+2=5 भी हो सकता है। मतलब क्या, सो आई टेल यू, कई बार हम बोलते हैं ना कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम कर लेना, राइट, दैट इज ऑल्सो सिनर्जी। हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस? जो अच्छा लीडर होगा ही विल एम एट सिनर्जी, मतलब क्या कि अगर कुछ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लाइक यू पीपल नो, अगर हम पहले की बात करें, ऑल ऑफ यू हैव रेड इन हिस्ट्री, यू नो हाउ शिवाजी महाराज हमारे ये वॉट वॉज द नेम, या प्रताप सिंह, ये सब जो अच्छे राजा हुआ करते थे, इफ यू पीपल नो देयर वर मेनी टाइम्स कि यू नो जब वो लोग हार्डली, उनकी सेना काफी कम थी एंड सामने बहुत ज्यादा सेना थी, बट स्टिल दोज पीपल मेड हिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज उन्होंने ऐसा कम रिसोर्सेज में भी दे न्यू हाउ टू विन अ वॉर, राइट, बाय यूजिंग अ स्ट्रेटेजी। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज आइडियली पॉसिबल, राइट, अदरवाइज ऐसी हिस्ट्री में ऐसी इवेंट्स कभी होती ही नहीं, राइट। सो सी, ओके, सो सी, ये लीडरशिप पे पूरा ये कंसेप्ट आ गया था। आई वॉज कवरिंग द फर्स्ट पॉइंट, वी विल एटलीस्ट फिनिश दिस स्लाइड टूडे, ओके। सो सी क्या लिखा है, इट एनविशंस, मतलब फ्यूचर का देखना, एनविशंस अ डिजायरेबल लीडरशिप पोजिशन, मतलब एज अ गुड लीडर आप कंपनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, राइट, एंड एस्टैब्लिशेस क्राइटीरियन the organization will use to chart its progress। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, क्राइटीरियन मतलब क्या, एक सर्टन क्राइटीरिया, मतलब यू ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल यू नो, आपको अगर यू ऑल नो, जब आप व्हेन यू केम इन योर फर्स्ट ईयर, हर कॉलेज का कुछ क्राइटीरिया होता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल BMS में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट 50% एंड अबाउ, और कोई BCom में कम मार्क्स में भी मिल जाता है, राइट। मतलब इन द सेम वे यू नो कि कंपनी भी ये जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अचीव करना चाहती है, हाउ विल इट अचीव, राइट, बेसिकली वही लिखा है कि कंपनी क्या क्राइटेरिया यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू यू नो अचीव द प्रोग्रेस, राइट। प्रोग्रेस मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट आई हैव टोल्ड यू, प्रॉफिट है, गुडविल है, ये सब यू नो डिसीजंस हैं, कंपनी विल अचीव दैट, या। हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस स्लाइड नाउ? आपको समझा है? आई थिंक टुडे मैं आपको यही एक आंसर दे रही हूँ। एनीवे यू नो क्या हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड सी, बिकॉज यस्टरडे वी मिस्ड अ लेक्चर, सो लिंक थोड़ा बहुत टूटने ही वाला है, बिकॉज यू नो टुमारो वी आर हैविंग द लास्ट लेक्चर, आई मीन मेरा लास्ट लेक्चर, एंड फिर से यू नो नेक्स्ट वीक एक कंसेप्ट आएगा ही, बिकॉज मिशन विजन हम तब स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट टिल, आपको बेसिक मीनिंग समझा था, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड, यू नो, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑल, लाइक आई कैन सी आज थोड़ा अटेंडेंस कम है, बिकॉज यू नो नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑल मैं वो डिटेल में नहीं कराऊंगी, यू नो सिनर्जी क्या है, एम्पथी सिंपथी क्या है, राइट, उसके लिए पीपल कैन वॉच द यूट्यूब वीडियो अगेन, ओके। सो यू नो स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला था, मैं ये स्लाइड और एक बार दिखा रही हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु जॉइंड लेट, किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो वॉट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट, यस आई हैड शोन यू अ डायग्राम, मैं आपको वो फिर से दिखा रही हूँ, ओके। क्या होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट में, हम आफ्टर दिस एक एक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अब तक यू पीपल ओनली नो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे वो, बट नाउ ईच पॉइंट, हर एक का एक आंसर, दिस क्वेश्चन इज यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट्स, 5 मार्क्स के आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें क्वेश्चन काफ़ी आता है, राइट, ओके। सो नाउ आई एम क्विकली टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टूडे, what do you mean by strategic intent, explain along with examples,
आई वुड से यू नो सिंस ये जो आंसर है वो डायग्राम भी है, सो आज सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखने रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इंटेंट. सो यू पीपल कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, राइट? एग्जाम्पल्स एक्चुअली हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे, बट जैसे कि मैंने आपको कहा इफ यू पीपल वॉन्ट यू कैन राइट, अदरवाइज ये लेक्चर में एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आ रहे, इवन इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? उतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है. सो सिंस वी हैव ओनली लास्ट 4 or 5 minutes टू गो, एनी वन हैज एनी डाउट्स यू पीपल वॉन्ट टू आस्क मी, प्लीज क्विकली आस्क इन द चैट बॉक्स. यस, ओके ओके, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज एम्पथी. ओके, आई थिंक या सिमरन हैज आस्क मी दैट, मैं आपको फिर से. ओके, सो सी ये जो कंसेप्ट है एम्पथी एंड सिंपथी, मैं हमेशा दोनों को एक साथ करा रही हूँ ताकि ना आपको क्लियर हो जाए. सो सी सिंपथी, हम एस जो बोलते हैं, सिंपथी बेसिकली मीन्स दया भाव. सो मैंने आपको जैसे कहा कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, यू नो यू नोटिस समवन की, यू नो अगर कोई कुत्ता है बेसिकली अ स्ट्रीट डॉग, कि आपको उस पर दया आ गई और आपने उसको बिस्किट दे दिया, या तो सेम वे यू नो इफ यू सी अ बेगर ऑन द स्ट्रीट, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैकेट था आपने उसे दे दिया खाने के लिए, राइट? तो इन द सेम वे यू नो लेट्स टेक इट कि कई बार यू नो अगर हमारी काम वाली या कोई आती है, लेट्स टेक इट, हम उसे दया में आके कुछ दे देते हैं, राइट? कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है या ऐसा, चलो तुम ले ही लो, राइट? नाउ सेम सिंपथी में हम क्या कर रहे हैं, किसी की दया कर रहे हैं, एस सिंपथी. एट द सेम टाइम एम्पथी जो है ई, उसमें क्या कर रहे हैं, पे अटेंशन. इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यू नो अगर कोई एम्प्लॉय है लेट आ रहा है, कि यू नो बारिश बहुत है, लेट्स अज्यूम कोरोना वायरस इज नॉट देयर, एम्प्लॉय ऑफिस गया हुआ है, तो उसे यू नो उसने बहुत ट्राई की, ट्रेन आर नॉट वर्किंग, वो कुछ भी बस करके, ऑटो करके, कुछ भी कैब करके आ रहा है ऑफिस में, तो आइडियली उसको 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, बट यू नो आज उसे ही केम एट ऑलमोस्ट 9:30 इन द ऑफिस. सो बॉस क्या कर रहा है, बॉस उसको उसकी लाइफ उसके नजरिए से देख रहा है, राइट? एम्पथी मतलब वही, जैसे कि ज्योति ने भी कहा कि यू नो मैं स्टूडेंट्स के नजरिए से सोच रही हूँ, कि अभी यू नो वहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो किसी के वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यू हो सकता है, वाईफाई बंद होगा, लाइक दैट. ओके, मतलब एम्पथी मतलब वही कि दूसरों की नजरिए से भी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स, राइट? तो इन द सेम वे यू नो सी सिंपथी, अगर मैं किसी की दया कर रही हूँ, सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कुत्ता या बेगर है, आई विल मैं वो नहीं सोच रही हूँ कि वो कितने दिनों से भूखा है, या यू नो मैं उसे सिर्फ दया में आके कुछ दे रही हूँ, मैं उसके माइंड में जाके, हम बोलते हैं ना एम्पथी, ई मीन्स व्हाट, किसी और के शूज में वी हैव टू पुट अवर सेल्फ इन समवन एल्सेस शूज. मतलब क्या, किसी के जूतों में एक्चुअली जाना नहीं है, बट इमेजिन कि तुम उसकी साइड हो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इन द सेम वे अगर यू नो इफ यू पीपल ट्राई टू थिंक फ्रॉम योर मॉम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पता चलेगा इवन बीइंग अ हाउसवाइफ इज नॉट इजी, राइट? सब बच्चों का देखना, खाना, घर का काम, आई मीन ये सब हमें कब समझेगा, कि जब हम किसी और के एंगल से थिंग्स को सोचते, राइट? सेम वे अगर कोई टीचर है, लेट्स अज्यूम अभी कॉलेजेस चालू है, कोई आ रहे है क्लास में, तो यू नो अगर तुम लोग बारिश है, तो लास्ट 15 लेट्स अज्यूम लास्ट 20 मिनट्स में आ रहे, तो अगर मैं ऐसे स्ट्रिक्ट होती हूँ कि क्यों लेट आए, ऐसा क्यों हुआ, मेरे लेक्चर में आई वोंट अलाउ, तो आइडियली दैट्स रॉन्ग ऑन माय पार्ट, राइट? बिकॉज मुझे आइडियली समझना चाहिए कि बारिश है, एटलीस्ट द स्टूडेंट हैज मेड एन एफर्ट टू द कम. यू नो इन द सेम वे अगर कोई एम्प्लॉय है वर्क पे लेट आया, तो बॉस को उसको डांटने की वजह ये देखना चाहिए कि यू नो एटलीस्ट वो आने का तो उसने एफर्ट किया. कोई एम्प्लॉय होगा सीधा ऐसे बोल देगा कि यू नो मैम सॉरी बारिश है, ट्रेन नहीं है, मैं काम पे नहीं आ रही हूँ, राइट? तो एम्पथी मतलब वही, किसी और के एंगल से सोचना. सिंपथी मतलब दया भाव, राइट? दया भाव लीडर के लिए एम्पथी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सिंपथी तो एज अ ह्यूमन बीइंग सब में दया भाव होना ही चाहिए, राइट?
So have you now clearly understood the difference between sympathy and empathy? किसी को और कुछ पूछना है? द असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? या ओके सो जस्ट गिव मी